हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छायामिश्रा में। ये देखिए गाइस, करवा चौथ स्पेशल पुए, तो इतने टेस्टी और इतने यम्मी पुए देखिए हमारे इस चैनल पर। और बहुत इजी ढंग से हमने बताया है, बहुत आसानी। बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये आप सफर में भी ले जा सकते हैं और ये करीब करीब एक महीने तक खराब नहीं होते। सबसे अच्छी बात यही है कि इन पुओं की एक महीने तक ये बिल्कुल नहीं खराब होंगे, चाहे जैसे आप खाएं इसे। तो सफर के लिए ये बहुत बेस्ट रेसिपी है हमारी, इसे आप बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी ये रेसिपी। करवा चौथ है, ठीक है। इसके लिए हमारे यहाँ स्पेशल देखिए उस मसाले, दाल वाले मसाले से जो हमने बताया था कि कई रेसिपी लाएंगे, तो उससे हम कई रेसिपी लाएंगे। बट कल करवा चौथ है, इसकी वजह से हम कुछ जो हमारे घर में बनता है मीठे में वो हम आपको बनाना बताएंगे आज। तो ये हमारी सूजी है, हाफ कटोरी से थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है, या आप हाफ कटोरी मान लीजिए। तो ये हाफ कटोरी हमारी सूजी है, तो इसको हम महीन वाली सूजी है जो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये हाफ कटोरी हमारी है आटा, हाफ कटोरी। तो ये हो गया हमारा टोटल एक कटोरी। हम पुए बनाने बताएंगे, आप इसको पुआ भी बोल सकते हैं, हमारे यहाँ यही मीठे में चढ़ता है। तो ये है एक कटोरी चीनी, एक कटोरी से थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो इसको अभी हम साइड में रखेंगे, अभी हम इसमें मिलाएंगे मोयन। तो इनको सबको हम आपस में मिला लेंगे ऐसे। देखिए गाइस, ये हमने रिफाइंड ऑयल लिया हुआ है, आप चाहे तो घी ले सकते हैं। तो इसको हम इसमें आटे में डालेंगे अपना, ठीक है। और हम आपको देखिए, हम कोई आटा का इसका वो नहीं बताएंगे आपको कि कितने चम्मच लिया है कितने नहीं, हम सीधे आपको दिखाएंगे कि हमें कितना मोयन लेना है, ठीक है। ये देखिए हमने मोयन ले लिया है, तो लगभग हमने 3 से 4 स्पून डाला है मोयन, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमारा अच्छे से ये पूरी बंद रही है अच्छे से, तो हमारा इतना मोयन इनफ है, तो हम इतना ही डालेंगे। चलिए देखिए, मोयन हम बता दें आपको 4 चम्मच 5 चम्मच तो नहीं बनेगा ना, तो हम सीधे बता रहे हैं कि इस तरह से आप मुट्ठी बांधें, ये बनना चाहिए, ठीक है। मोयन अगर ज्यादा हो जाएगा जब आप तलेंगे तो उसको ये बिखर जाएगा, इसलिए मोयन एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो हमने 4 से 5 स्पून लिया हुआ है, और आप ऐसे बांध कर देख लें लड्डू की तरह, अगर बंद रहा है तो हमारा अच्छा है, ठीक है। ये हमने एक कटोरी चीनी ली है, ठीक है। तो हम पहले एक कटोरी चीनी इसमें ऐड करेंगे, अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए गाइस, हमने पूरा एक कटोरी चीनी ऐड करी है, ठीक है, क्योंकि हमारा एक कटोरी वो था सूजी और एक कटोरी रवा, दोनों चीजें थी, एक एक कटोरी, तो 2 कटोरी हुआ, थोड़ा थोड़ा कम था, ठीक है, एक कुलमा। तो अब इसको हम करेंगे, देखिए अब ये देख सकते हैं आप। तो अब इसको हमें गूथना है, और ऐसे गूथना है कि जिससे इसका दूध का फ्लेवर आए, ठीक है। तो इसको हम गूथेंगे दूध के इससे। तो ये देखिए एक ग्लास दूध है, हम आपको कटोरी में नाप के दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं एक कटोरी दूध लिया हुआ है। तो हम इसको गूथेंगे थोड़ा थोड़ा डालकर, नॉर्मल ये है, ठीक है, इसमें चीनी पड़ी है इसलिए बहुत थोड़ा थोड़ा डालें, वरना यह गीला हो जाएगा। इस तरह से गूंथेंगे, ये देख सकते हैं गाइस, चीनी की वजह से इसमें बहुत कम मात्रा में दूध लगा है, देख सकते हैं पूरी की पूरी कटोरी है, मुश्किल से 3 से 4 स्पून दूध लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको अब हम रख देंगे, देखिए अभी कुछ लूज लग रहा होगा, मगर ये लूज नहीं है क्योंकि अभी इसमें सूजी है तो ये फूलेगी, ठीक है। तो इसको हम आधा घंटे के लिए ऐसे ही रख देंगे, जिससे कि इसकी सूजी जो अंदर है वो फूल जाए अच्छे से और हमारा डो अच्छे से तैयार हो जाए, ठीक है। तो इसको हम ढककर रख देंगे, ये देख सकते हैं गाइस, थोड़ा सा हमने ऑयल ले लिया है, तो इसको ऑयल को हम पूरे इस पे लगाएंगे और इसको अच्छे से ढककर रख देंगे। अब गाइस याद रखिए, एक कटोरी सूजी, एक कटोरी आटा और एक कटोरी हमारी चीनी, ठीक है, और दूध मुश्किल से 4 से 5 स्पून, और मोयन भी 4 से 5 स्पून। तो इसको अब हम रखेंगे, तो देखिए गाइस 30 मिनट के इसको ढककर रख देंगे। एक बात और गाइस, कि हमने आटे के भी बनाए हुए हैं, जिनको पुआ या ठेकुआ कह सकते हैं, कई चीजें हमने बनाई हुई है, लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए गाइस, हमारा 30 मिनट हो चुका है, तो ये हमारा सेट हो चुका है, ठीक है। तो इसको मसल लेंगे एक बार और ऐसे करके, फिर हम बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए गाइस, इतना बड़ा हमने ले लिया है, एक लगभग बड़ी नींबू की बॉल से बड़ा थोड़ा सा लिया है। इस तरह से हम गोल करेंगे और इसको हम
इस तरह से करते हुए हाथ से ही बड़ा कर लेंगे। ठीक है, जितना बड़ा हमारा पुआ होता है लगभग उतना ही बड़ा कर लेंगे। ये देखिए इस साइज का, और ये थोड़ा सा मोटा ही रहेगा, पतला नहीं रहेगा, क्योंकि ऑयल में जाएगा ना तो मुलायम होता है, बिखर जाता है। तो इसी तरह से हम सारे बना बना के इस तरह से रख लेंगे। आप चाहें बेलकर भी कट कर सकते हैं। चलिए बेलकर भी दिखा देते हैं आपको, जल्दी हो जाएगा। ये देखिए गाइस, आटे के एक पोर्शन ले लिया है, इतना बड़ा लगभग। ठीक है, तो इसको अब हम ऐसे करेंगे और बड़ा सा बड़ी सी रोटी बेल लेंगे, लेकिन थोड़ी सी मोटी, पतली नहीं बेलेंगे। आपको दिखाते हैं हम, क्योंकि ये सूजी का होता है ना तो बहुत मुलायम होता है। ये देखिए इस तरह से ये हमने बेल लिया है। देखिए ये मोटा है कितना सारा है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ग्लास से कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से ग्लास ले लीजिए आप, क्योंकि ग्लास लगभग सबके घर में होती है, इस वजह से हम बता रहे हैं। ये देखिए हमने कट कर लिया, तो इसी तरह से सारे कट करके निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। और ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये हम दोबारा आटे में मिला लेंगे। और ये देखिए ये कट गया, तो इससे थोड़ा सा लुकिंग बढ़िया आ जाएगी, एक साइज के ही सारे बनेंगे, ये देख सकते हैं। तो सारे हम ऐसे ही बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आगे। ये देखिए गाइस इतनी बन चुके हैं, चलिए सेकते हैं हम इनको अच्छे से। ये देखिए गाइस इस तरह से आप ऑयल हमने रख दिया था, तो इस तरह से एक टुकड़ा डो का डाल के देख लेंगे। अगर ये हमारा फट जाता है तो आप ऐसा करें कि थोड़ा सा आटे की मात्रा बढ़ा लें, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। और चीनी और रिफाइंड ऑयल जो मोयन डालते हैं हम, उसको इक्वल मात्रा में डालें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए सेकते हैं इसको। देखिए हमारा ये फट नहीं रहा, डो बिल्कुल अच्छे से हो गया है, तो इसको हम बिल्कुल धीमी फ्लेम पर ही डालेंगे। गाइस कोशिश ये करिएगा कि बहुत ज्यादा आपको नहीं डालने हैं, जब ये हमारा ऊपर तैर कर आ जाएगा उसके बाद में हम दूसरा डालेंगे, क्योंकि ये हमारा ऑयल में थोड़ा सा सूजी की वजह से मुलायम हो जाता है, तो ये फटने का डर रहता है। इस वजह से धीमी फ्लेम पर बहुत आराम आराम हमें सेकना है। ये देख सकते हैं गाइस बहुत धीमी धीमी फ्लेम पर हमें ऐड किया हुआ है, क्योंकि ये हमारा सूजी का होता है, बिखरे ना हमारे ऑयल में, इस वजह से, क्योंकि तेज हाई फ्लेम कर देंगे तो ऊपर से पक जाएगा, नीचे कच्चा रहेगा, इस वजह से। ये देख सकते हैं कि कितनी लो फ्लेम है इसकी, तो इसी तरह से लो फ्लेम पर ही हमें बनाना है। और एक बात गाइस, अभी बिल्कुल टच नहीं करना है, क्योंकि बहुत नरम होते हैं, गर्म होके बहुत ज्यादा नरम हो जाते हैं, तो ये जब तैर कर ऊपर आ जाएगा तो बहुत हल्के हाथों से इसको हम टर्न करेंगे। ये देख सकते हैं गाइस हमारा तैर कर ऊपर आ गया, उसके क्रैक्स देख सकते हैं, इससे पता चलता है कि हमारा बहुत क्रिस्पी, और ये देखिए उठाने पे लग रहा है कि बहुत नरम है, तो इस वजह से बहुत हल्के हाथों से इसको हमें टर्न करना है। ठीक है, और अब हम इसमें, ये ऊपर आ चुका है तो अब हम सेकंड डाल देंगे इसमें। ये देखिए ये सेकंड है, अब धीरे से सेकंड डाल देंगे इसमें और ये पकने देंगे आराम से। ये देख सकते हैं गाइस दूसरा भी तैर कर ऊपर आ गया, तो इसको भी धीरे से बिल्कुल पलटेंगे, अगर जरा सा भी प्रेशर ज्यादा, इनको दोबारा पलट देते हैं। बहुत आराम आराम से सेकना है इस चीज को, आराम से सेकने देते हैं, फिर मिलते हैं। ये देख सकते हैं गाइस हमारे हल्के लाइट कलर की हैं, तो इनको हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये निकालने के बाद में भी इनका कुकिंग प्रोसेस चलता रहेगा तो ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको निकालकर एक पेपर के प्लेट पर रखते हैं इस तरह से। तो दूसरे सेकंड बैच डाल देते हैं इसमें। गाइस एक बैच को सिकने में, यानी एक पुए को सिकने में लगभग लगभग हमारे 6 से 7 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि अंदर से कुक हो स्लो फ्लेम पर। ठीक है, तो एक बैच सिकने में 6 से 7 मिनट लगते हैं, तो सारे सेकते फिर मिलते हैं आपको। देखिए गाइस हमारे पुए बनकर एकदम रेडी हैं करवा चौथ के लिए, तो कितने यम्मी है गाइस। ये तो आज ही खत्म हो जाएंगे, करवा चौथ तो कल है, तो उसके लिए हम कल बनाएंगे पूजा के लिए घी में, आज हमने बनाया रिफाइंड में। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कितने अच्छे, और कितने कलर देखिए आप, कितना फीका फीका कलर निकाला था, और लेकिन कितना प्यारा कलर आया है, और ये बिस्किट की तरह लगते हैं, इनका क्रिस्प, और ये देखिए अंदर तक बिल्कुल सिका हुआ, कहीं से भी कच्चा नहीं, आटे के प्योर आटे के भी बनाए हैं जो कि हमारे चैनल पर पड़े हैं, आप सिर्फ आटे के से भी बना सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये आप सफर में भी ले जा सकते हैं,
और ये करीब करीब एक महीने तक खराब नहीं होते। सबसे अच्छी बात यही है कि इन पुओं की एक महीने तक ये बिल्कुल नहीं खराब होंगे, चाहे जैसे आप खाएं इसे। तो सफर के लिए ये बहुत बेस्ट रेसिपी है हमारी। तो आज की हमारी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।